कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आप ही के लिए आप ही का दोबारा से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज लेक्चर 3, दोस्तों हम जो चैप्टर कर रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट, चैप्टर का नाम है जी ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 ऑडिटिंग की बुक का बेटे स्टडी मटेरियल में तो 5 स्टडी नोट्स बना दिए हमने, उसके 10 चैप्टर्स बनाए और चैप्टर 7 कर रहे हैं, चैप्टर 7 कर रहे हैं बेटे। वैसे इस चैप्टर का नाम ये होना चाहिए था प्लानिंग एंड ऑडिट of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे चैप्टर का नाम होना चाहिए था प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SA 300, 8 एक्टिविटीज, प्रीलिमिनरी एक्टिविटी, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान वगैरह वगैरह। मैंने आपको 2 लेक्चर्स इसके ले लिए, आज लेक्चर 3 है बेटे। वैसे तो ये लेक्चर 2 में भी खत्म हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आज एक नया मुद्दा हम डिस्कस करेंगे तो उसका एक अलग से चैप्टर बनाया, एक अलग से लेक्चर बनाया जाए। तो बेटे चैप्टर 7 जो आप कर रहे हैं उसके 3 लेक्चर्स हैं, आज हम लेक्चर 3 करेंगे। बेटे आज का एजेंडा क्या है मैं बताना चाहूंगा। आज बेटे सबसे पहले मैं आपको बेटे जो आप मुझे देख रहे हो आप ही को बेटे सबसे पहले मैं ऑडिट प्रोग्राम की बातें करूंगा। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट प्लान। फिर बेटे ऑडिट प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कैश का, एक्सपेंसेस का, किसी भी चीज का प्रोग्राम बनाना हो तो उसके महामंत्र क्या है, क्या मंत्र है, क्या गायत्री मंत्र है जिससे आप ऑडिट प्रोग्राम को समझ सको। तो बेटे आज पहले तो ऑडिट प्रोग्राम करेंगे, फिर बेटे केस स्टडी डिस्कस करेंगे ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर मैं भूपेश आनंद बेटे कुछ केस स्टडीज बताऊंगा, और बेटे फिर सरप्राइज चेक, हम फिर सरप्राइज चेक करेंगे, उसके ऊपर सीखेंगे। और बेटे आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज आप जरा प्लीज बुक खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए और जरा ये वाला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर बेटे 142, बेटे 142 मेरे बच्चे। आइए बेटे रजिस्टर खोल लें बेटे, बेटे मार्कर साथ में रख लें बेटे। जैसे सुबह बनिया अपनी दुकान खोलता है तो सफाई करता है, गले में अगरबत्ती करता है, भगवान को नमस्कार करता है, बूढ़ी बट्टा आटा तो मत्था टेकता है। बेटे आप भी बनिया बन जाएं ऑडिट पढ़ने के लिए, अपना सामान खोल लें, ऑडिट की बुक खोल लें, ऑडिट का रजिस्टर खोल लें, ऑडिट के लिए मार्कर निकाल लें, पेन रख लें, और सबसे कीमती चीज इरादे बुलंद कर लें। बेटे सभी चीजों में महान चीज है आपका इरादा किसी चीज को पाने के लिए। अगर आप सच में उस चीज को पाने के लिए पागल हैं तो बेटे वो चीज मिल जाती है, ऐसा हम सब देखते हैं। नशा होना चाहिए बेटे, वो नशा, अगर आप में नशा है 80+ का तो मैं कह सकता हूं कि 80+ आएंगे, बट बेटे नशा होना जरूरी है। रावण को नशा था कि मुझे अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। बेटे अपने गले काटता गया, बेटे 10 बार गला काट दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी को अमृत देना पड़ा। तो बेटे आपको किसी चीज को पाने का नशा, पागलपन वो जरूरी है। बेटे आइए बेटे आज के लेक्चर में मैं कंसेप्ट नंबर 5 ऑडिट प्रोग्राम, कंसेप्ट नंबर 6 ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश ऑडिट, कंसेप्ट 7 केस स्टडीज, कंसेप्ट 8 कंट्रोल ओवर ऑडिट वर्क। बेटे आज हम 3-4 कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आइए सर, आइए मेरे दोस्तों, आज की क्लास बड़ी मजे की क्लास रहेगी। बेटे ऑडिट प्रोग्राम का मैंने बड़ा जबरदस्त एक आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन से लिखा है। बेटे प्लीज पेज नंबर 150 निकाल ले। एक बच्चा कहता सर ये आपने जो कोटेशंस लिखी होती है ना बड़ा अच्छा लगता है। मन जब डाउन होता है ना तो जब हम कोटेशंस पढ़ते हैं ना तो अंदर कुछ शक्ति मिलती है। हाँ बेटा इसीलिए तो लिखी है कि आपका फायदा हो। मैं जगह जगह आपकी बैटरी को चार्ज करता जाऊं और आप एक बड़े लक्ष्य को पाले। बेटे जो हिमालय की पर्वत पे चढ़ते हैं, क्या लगता है पहली बार हिमालय के पर्वत पे चढ़ जाते होंगे? नहीं बेटे, वो छोटे छोटे पर्वतों पे चढ़ते हैं, हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है और फिर हिमालय पे चढ़ जाते हैं। तो बेटे आपने भी तो यही करना है, छोटे छोटे चैप्टर्स करने हैं, 10 चैप्टर्स ऑडिटिंग के करने हैं। बेटे इसमें 25 नंबर लाने हैं, बेटे कंपनी अकाउंट्स करना है और टोटल 80+ लेकर आना है। तो बेटे आइए आज की क्लास हम शुरू करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम की बातें करेंगे। बेटे 1 मिनट मैं चाहता हूं भगवान को याद करें। भगवान ने सब कुछ बनाया। बेटे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो कोई टेंशन नहीं। बेटे हम सबका भगवान एक ही है, हम सब में खून एक है। बेटे आइए एक बार देखते हैं। बेटे कितना बढ़िया लिखा हुआ है, कितना बढ़िया कह रहे हैं। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं तो मीरा जैसे बुलाते नहीं। तो बेटे आइए हम सब ने बड़ों को याद किया, पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया और चल पड़े बेटे उस राह में जहां पर रोशनी ही रोशनी है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे भगवान मुझे ज्योतिर, मुझे रोशनी की तरफ लेके चल भगवान। आइए बेटे मैं लेक्चर 3 ऑडिट प्लान का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, ऑडिट प्रोग्राम का जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने एसए 300 भी डिस्कस किया है। बेटे बेटे आराम से बेटे हम चलेंगे। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ऑडिट प्लान हमने लेक्चर 1 में सीखा था। व्हाट इज ऑडिट प्लान? अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी, मिस्टर कॉस्ट अकाउंटेंट, आप बताइए व्हाट इज ऑडिट प्लान, तो मैं आप मुझे लगता है ऐसा बोलेंगे, व्हाट इज टू बी डन और व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करें, क्या करना है, हु हैज टू डू, किसको करना है। बेटे हमने मुख्य तौर पर इन दो बातों का आंसर दिया था, क्या करना है और किसको करना है। बेटे इसको बोलते हैं ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान, इसमें हमने कुछ बातों का ध्यान रखा था कि अगर ऑडिट प्लान बनाना है तो हमें लेजिस्लेशन का पता होना चाहिए, हमें मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, एसएएस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बेटे ऑडिट प्लान इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। हम हर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगाते हैं और बेटे ऑडिट प्लान उस प्रोसेस का नाम है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? मैंने कहा व्हाट इज ऑडिट प्लान, तो समझ आ गया। बेटे ऑडिट प्रोग्राम, हाउ टू डू। एक बच्चे को नींद आ रही थी, मैंने जैसे बोला हाउ टू डू, वो जाग गया। हाँ बेटा जागना ही है, हाउ टू डू, कैसे करें। बेटे वो चीज जो करनी है उसको कैसे करें। हमें पता है हम यहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ जाना है, यहाँ कुतुब मीनार है, यहाँ पहुंचना है, ये तो समझ आ गया ऑडिट प्लान से। बट बेटे यहाँ से कैसे जाएं, कैसे पहुंचे? थ्री व्हीलर में जाएं, कार में जाएं, मेट्रो में जाएं, पैदल चल के जाएं और रास्ते में क्या क्या करते जाएं। बेटे इसका नाम है ऑडिट प्रोग्राम। इट इज a set of instructions। क्या बढ़िया बात बेटे कहने वाले ने कह दी। It is a set of instructions, instructions, instructions. It is a set of instructions which are to be followed, which should be followed for doing a particular thing। जैसे मैंने कहा जी डोसा बनाना ऑब्जेक्टिव है, ये हमने देख लिया। डोसे के लिए क्या क्या चाहिए, कौन बनाएगा, ये ऑडिट प्लान बना लिया। लेकिन बेटे डोसा बनाने में कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी, पहले कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, ये सारी एक्टिविटीज या ये सारी इंस्ट्रक्शंस को जब हम लिखते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के डॉक्यूमेंट का नाम है ऑडिट प्रोग्राम। बेटे उसको बोलते हैं बेटे ऑडिट प्रोग्राम। तो बेटे ऑडिट प्रोग्राम और कुछ भी नहीं, ऑडिट प्लान का इंप्लीमेंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। इसका मतलब बेटे ऑडिट प्लान बड़ी चीज है, इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम बनते हैं। बेटे ऑडिट प्रोग्राम छोटे छोटे बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव है कि सीएस क्लियर करना है, तो ये तो ऑडिट प्लान हो गया। इसके लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बांट रहे हैं। अब उस चारों सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने घंटे में पढ़ना है, बेटे इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। इसका मतलब ऑडिट प्लान बिना ऑडिट प्रोग्राम के अधूरा है, अधूरा है। जैसे बांके बिहारी जी, राधा अधूरी है भगवान के बिना, तो बेटे बिल्कुल वैसे ही ऑडिट प्लान अधूरा है ऑडिट प्रोग्राम के बिना। तो बेटे हम आज उसी ऑडिट प्रोग्राम को सीखने जा रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है, What is the meaning of audit program? हम सबसे पहले ये सीखेंगे what is the meaning of audit program. फिर बेटे हम ये सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे why we prepare audit program. What are the positives and negatives of audit program? बेटे positives क्या है, बेटे नेगेटिव्स क्या है, बेटे मीनिंग क्या है, बेटे वाई, बेटे सारी बातों को आज हम सीखने वाले हैं. और जब हम ये सीख लेंगे तो बेटे आज हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे. आइए जी, आइए. मैंने अभी तक ये बताया कि ऑडिट के लिए एक अकेला व्यक्ति काफी नहीं है बेटा. एक अकेला व्यक्ति तो वैसे ही उलझ के रह जाएगा. आप मुझे बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या लगता है एक अकेला क्या सारी कंपनी का ऑडिट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं बेटे. बेटे पूरी ऑडिट की टीम जाती है बेटे. ए बेटा, बेटे ऑडिट की टीम जाती है पूरी कंपनी का ऑडिट करने के लिए. तो मैं आपसे कह रहा हूं ऑडिट टीम कौन कौन होता है बेटे? ऑडिट टीम मैं कहता हूं जी ऑडिट टीम में एक तो बड़े पापा होते हैं, पार्टनर होता है बेटा मेन. बेटे फिर छोटे पापा होते हैं, बेटे सीनियर मेंबर्स होते हैं उसी फर्म के. और बेटे छोटा बच्चा होता है जो अभी अभी सीए करने आया है, आर्टिकल्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं. बेटे इन सबको मिलके काम करना पड़ता है. कहते हैं एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं बेटे. हमारे हिंदुस्तान में बेटे एक और एक को दो नहीं कहते, 11 कहते हैं. तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक ऑडिट को करने के लिए ऑडिट टीम की जरूरत है. जैसे रावण को देखा आपने, उसके पास अलग अलग तरह के राक्षस हुआ करते थे. किसी के पास कोई विद्या, किसी के पास कोई विद्या, किसी के पास कोई विद्या. बिल्कुल ऐसे ही ऑडिट टीम में हमें पार्टनर्स चाहिए. पार्टनर्स होते हैं, की पर्सन्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं, स्मॉल असिस्टेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं. ये मिलके काम करते हैं बेटे. जब भी युद्ध करना हो तो मिलके युद्ध किया जाता है. हाथी, ऊंट, घोड़े, पैदल, बेटे राजा तो पीछे होता है, वो बाद में ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको क्या काम करना है, इसको क्या काम करना है, इसको क्या काम करना है. अब कैसे करना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. बेटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सभी की पहले से ही डिफाइन कर दी जाती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति खाली ना बैठे. ऐसा ना हो कि खाली बैठ गए और हाथ में हाथ रख के बैठे जी हमने तो कर लिया, या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. मान लेते हैं एक व्यक्ति वही काम कर रहा है, कल दूसरा आया उसने वो कर दिया, तो बेटे टाइम वेस्ट है, इफेक्टिवनेस नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी. इसका मतलब डुप्लीकेसी ना हो, काम सुचारू रूप पे चले, टाइम से खत्म हो जाए, कोई गलती ना हो, लीगल लॉज को फॉलो कर दिया जाए, स्टैंडर्ड्स देखी जाएं. बेटे उन सब के लिए हम पहले से ही कुछ इंस्ट्रक्शंस बना देते हैं कि भाई रामलाल ये करेगा, इस तरह से करेगा, पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा. मोहनलाल ये करेगा, ये करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. श्यामलाल ये 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 ये, ठनठनलाल ये 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 ये. तो बेटे फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, सब अपना काम करेंगे और जल्दी काम होगा. तो बेटे उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम. बेटे उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम. ऑडिट प्रोग्राम के बेटे बहुत फायदे हैं मेरे हिसाब से. मैं समझता हूं कि ऑडिट प्रोग्राम से एक तो बेटे कॉन्टिन्यूटी रहती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑडिट रिमेन्स. बेटे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑडिट, ऑडिट की कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहती है, कोई खाली नहीं बैठा होता. क्यों? क्योंकि आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पता है. बेटे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटा जो रिसोर्सेस होती हैं उनको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करते हैं। बेटे हम लिख रहे हैं पॉजिटिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। और बेटे ऑल एरियाज आर कवर्ड। बेटे सारे के सारे एरियाज कवर कर देते हैं, हम कोई भी ऐसा एरिया नहीं छोड़ते जहां पर जो कोर एरिया है। बेटे ऑडिट प्रोग्राम बनाने से आप सारी बातें पहले से ही सेट करके सोच के कवर करते हो। मेरी बात आप सुन रहे हैं? एक बच्चा ढीला बैठा हुआ, कैसी बात है बेटे? बेटे कमर सीधी करो। बेटे साथ साथ लिखना है। बेटे पॉजिटिव्स लिखो, मैं एक मिनट दे रहा हूँ। पॉजिटिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम लिखो। बेटे अभी बुक में भी है, करेंगे बुक से भी, लेकिन अभी आप पॉजिटिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम तो लिखो। बेटे ये ऑडिट प्रोग्राम है, बनता किसके बेसिस पे? बेटे ऑडिट प्लान के बेसिस पे बनता है। सीधी सी बात मैं बता दूं, अगर ऑडिट प्लान नहीं होगा तो ऑडिट प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो बेटे स्टेप 1 है ऑडिट प्लान, और बेटे स्टेप 2 है ऑडिट प्रोग्राम। स्टेप 1 है ऑडिट प्लान और स्टेप 2 है ऑडिट प्रोग्राम। प्लीज बेटे पॉजिटिव लिखो, अभी बुक में भी लिखा हुआ, हम कवर करेंगे। बेटे ऑडिट प्रोग्राम बनाने से मैं समझता हूं इट एंश्योर्स कॉम्प्लायंसेस। बेटे आपको आजकल पता ही है लॉस कितने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इट एंश्योर कॉम्प्लायंसेस विद ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। बेटे अगर आपने पहले से वो चीज लिखी होगी तो आपने उन चीजों को भी ध्यान रखा होगा। तो मेरे हिसाब से बेटे पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं ऑडिट प्रोग्राम के। लेकिन एक बच्चा कहता है सर एक चीज बताओ, हमने सीए की, हमने सीएस की, हमने सीएमए की, हमने नॉलेज गेम की, तो हमारी क्रिएटिविटी का क्या होगा? बिल्कुल, मैंने कहा आपकी बात ठीक है बेटे। तो आप रजिस्टर में एक चीज और लिख लें, नेगेटिव्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। बेटे बड़ा मोनोटोनस और मैकेनिकल वर्क हो जाता है, बेटे अगर ऑडिट प्रोग्राम किसी चीज के लिए बनाओ, क्योंकि बेटे हर चीज पहले से ही बता रहे हैं, इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसका मतलब नो यूज ऑफ क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज ही नहीं कर सकते, आपको उसका पता ही नहीं चल रहा कि क्या काम करना है। आपने जो स्किल हासिल किया है, जो कॉम्पिटेंस है आपके पास, बेटे वो बंद की बंद रह जाती है। आपकी मन की बातें मन भी रह जाती हैं और आप अंदर से बुझ जाते हो। क्यों? क्योंकि बेटे आप अपना हुनर नहीं दिखा पा रहे। तो बेटे आप ये समझ लीजिए, ना तो क्रिएटिविटी होगी, ना आपका स्किल आप यूज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिजिडिटी। एक बच्चा कहता है ये क्या होता है? बेटे रिजिडिटी का मतलब है आप एक काम को उसी तरह से कर रहे हैं बस। तो बेटे मेरे हिसाब से देखिए जी, इस दुनिया की हर चीज के कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं, फिर भी ऑडिट प्रोग्राम एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑडिट में बनाना चाहिए। आइए जी एक बार बुक खोलें और मैं चाहूंगा कि ऑडिट प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 5 खोल ले जी, प्लीज खोल ले। हम जरा पहले 5 नंबर को एक बार देखेंगे। देखिए मैंने कितना कलरफुल बनाया, आप देख रहे हैं। ऑडिट इज कंडक्टेड बाय अ टीम, अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट करिए टीम, इंस्टेड ऑफ जस्ट एन इंडिविजुअल। एक अकेला मर जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। If business is small and if there is not much to be done, then it might be possible to conduct the whole engagement easily by an individual. छोटा सा बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, सिंपल सा काम है, तो भले एक व्यक्ति कर लेगा, हम उसकी मनाही नहीं कर रहे बेटे, लेकिन हमें तो बड़े बड़े काम करने, हम तो बड़े बनने वाले, हमें तो ऐसा सोचना है। आगे देखिए,